नमस्कार हांडी ओडिया रेसिपी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भोजी स्टाइल बैगण खटा बा खटा मीठा बैगण मसला प्रस्तुत करवा। तेब यह रेसीपी को आरंभ करने पूर्व जदि आपने मो चैनल को प्रथम थर पर देखुं तेज चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आप नुआ भिडर नोटिफिकेसन पाइपर तेज आसान देखे ना आज रेसीपी बैगण खटा बा खटा मीठा बैगण मसला पाई प्रथम आमको बैगण दरकार। ये मुझे 400 ग्राम रो मीडियम साइज बैगण नहीं भल भाव धोईक पोछी नहीं यार मसला को बनवाप ये गोटे मीडियम साइज रो प्याज को एकदम छोट छोट कर गोटे छोट टमाटर कोई छोट छोट कर गोटे चामच अदा रसुण बटा नहीं जेहेतु आम बैगण खटा बनाऊँच तेणु मुझे अल्प तेतुली नहीं एबे आमे एथिरे किछि पानी मिसी एहाकु 10 मिनिट पई भिजेइ नबा। एहा परे आमे एहाकु हातरे चकुटिकि एहार रसकु बाहर करनबा। ए बैगण खटार स्वाद जेहेतु खटा ओ मीठा होइथाय तेणु मुइ एथि मीठा पई आधा कप गुड़ नेइछि। आपण एथि निज पसंद अनुसारे खटा ओ मीठार परिमाण को कम किंबा बेसी करि परिबे। ए बैगण खटा बा खटा मीठा मसला बैगण पई आमे गोटे स्पेशल मसला गुंड को प्रस्तुत करिबा। सेथि पई नेइछि मुइ एथि 1 टीस्पून गोटा धनिया 1 टीस्पून गोटा जीरा 1 टीस्पून सोरिष 1 टीस्पून पान मधुरी 1/2 टीस्पून गोलमरीच 1/4 टीस्पून मेथी दाना बा खूब कम मेथी दाना ता सहित छोट खंडे दालचीनी और 2 गुजराती यह व्यतीत आमको आवश्यक अनुजाई सोरिष तेल दरकार। स्वाद अनुसार लुण हलदी गुंड और लंका गुंड दरकार। बघारिया पे 1/2 टीस्पून पंचफुटन गोटे सुखिला लंका 2 तेजपत्र अल्प हेंगु किसी कटा कंचा लंका और गार्निश करने किसी कटा धनिया पत्र दरकार। प्रथम आम बैगण डेम्फरे ये एक्सट्रा चोपा गुड़ी को काढ़ी नवा और बैगण डेम्फ सहित आम यहपर चारिफा करें बैगण मुंडी बा डेम्फ को बिल्कुल अलग करेंगे ना बैगण डेम्फ सहित आपर चारि भाग में काटने जहाद्वारा बैगण गुड़िक भितर सफा अच्छी ना आम देखिपर ता सहित जिते बार बैगण गुड़ी मैरिनेट करवा और मसला सहित तो यहाँ आम कुक करवा से समय सब मसलार बहुत बढ़िया स्वाद बैगण भितर आराम से आसीज बैगण गुड़िक भितर अलण बा फिका न लगेपर अल्प लुण हलदी को भल भाव मिक्स कर बैगण भितर सैड को आम भल भाव कोट कर नवा और यहाँ आम 10 मिनिट मैरिनेट हाँपाई छाड़द बैगण गुड़िक मैरिनेट हो समय आम गुंड मसला को प्रस्तुत कर ना गुंड मसला को बनवाप गोटे कुकिंग पैन को गरम कर गोटा मसला गुड़ को दे गैस फ्लेम को लो रखि यहाँ तीन रु 4 मिनिट भल भाव भाजी ना ये गोटा मसला गुड़ को आपड़ 3-4 मिनिट्रु अधिक समय पर भाजबे ना जेहेतु आम ए मेथी दाना और सोरिषर व्यवहार करते तेणु जदि आपको अधिक समय पर भाजबे तेज यह टी पिता लगे तेणु जिते बड़े गोटा मसलार हाल्का रंग चेंज हो रहा बास्ना आरंभ होगापी लगे सेतेबेले गैस फ्लेम को ऑफ करी यहाँ गोटे पात्र को काढ़ी नेबे और ये गोटा मसला गुड़िक जिते बड़े थंडा होते गुंड करे बर्तमान आम बैगण गुड़ भाजापीपर गोटे कुकिंग पैन को गरम कर 2-2.5 चामच सोरिष तेल को पकई ना तेल भल भाव गरम हो गला गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखी ए बैगण गुड़ पकई ना और बैगण गोटे साइड को आम 4-5 मिनिट पे भाजी नबा। बैगण गुड़ तेल में पकापर आप गैस फ्लेम को लो कि लो मीडियम करेंगे ना बैगण गुड़ को जदि प्रथम आप लो कि लो मीडियम फ्लेम रे भाजबे तेब यह दरसी जाए कि टाण हो पर जिते बैगण गुड़ सीझे सेत स्वाद पूरा नष्ट तेणु आप सब बैगण को मीडियम कि मीडियम टू हाई फ्लेम दुई साइड रु भल बादामी रंग हवा जाए प्रथम भाजी ने बैगण गुड़िक दुई साइड रु भाजी जितेबाई बादामी रंग होते आम गैस फ्लेम को लो मीडियम कर नवा गोटे ढाकुणी दी यहाँ आम घोड़े बैगण को भल भाव सीझा जाए यह आम आउ 5-7 मिनिट भाजी नवा। प्रायत भोजी गोटा बैगण को तेल में छाणी सारापर यार खटा को प्रस्तुत कराए
किंतु जेहेतु आम यहाँ घरे प्रस्तुत करेणु आम चेष्टा करवा खूब कम तेल बनैवापी तेणु बैगण को सीझिकी नरम हवा जाए यह चारि तरफ भल भाव भाजी नवा देखु ये बैगण गुड़िक बहुत बढ़िया भाव में भाजी होगी पूरा नरम हो गोटे प्लेट को काढ़ी नवा और यार मसला को प्रस्तुत करनवा बैगण गुड़ी भाजी सरपर ये कुकिंग पैन में किसी तेल बढ़ी जाए आउ गोटे चामच सोरस तेल को पक गरम करनवा तेल भल भाव गरम हो गलापर आम गैस फ्लेम को लो मीडियम रखी हाफ टी स्पून पंच फुटण गोटे सुखिला लंका दुईटे तेजपत्र किसी कटा कंचा लंका और हाफ टी स्पून हेंगू को दे यहाँ आम कि समय पर भाजी नवा पंच फुटण कंचा बासना जावापर आम ए कटा पिज को पकईने और पिज को आम ये बादामी रंग हवा जाए भल भाव भाजी नवा पिज को ये आम बेस भाजवा ना पिजर कंचा बासना चलीगले और यार रंग हालांकि चेंज हो गले आम गोटे चमच अदा रसुण बटा पकईनवा सहित अधा चमच हलदी गुंड और स्वाद अनुसार लंका गुंड पकईनवा जेहेतु आम रागपाई इटे कंचा लंका और गोलमरीचर व्यवहार कर तेणु मुझे काश्मीरी लंका गुंड नहींचे जदि आपन को यह अधिक राग दरकार तेज आप राग लंका गुंड नहीं पारे जेहेतु मसलाटी पूरा सुखिला अच्छी तेणु आम ए पा देखिए तीन रु चार मिनिट पर मसलार कंचा बासना जावा जाए यह आम कषि नवा अदा रसुण कंचा बासना जावापर आम ए कटा टमाटर को पकईने वही टमाटर नरम हवा जाए आम यहाँ आउ तीन रु चार मिनिट पर कषि नवा मसला को कषिया समय जदि यह अधिक सुखिला तेज आप कषि ने देखते ये टमाटर गुड़िक नरम हो मसला सहित बहुत भल भाव मिसी जाइए और मसलाटी बहुत भल भाव कषि होपर तेल ऊपर को उठी आ तेबे यही समय आम ए प्रस्तुत करथिबा गुंड मसला को पकईनवा प्रस्तुत करथिबा गुंड मसलार ये आम देढ़ चामच पकईनवा ये मुझे 400 ग्राम बैगण पर यह मसला को प्रस्तुत करदी आप कम कि बेसी बैगण खटा प्रस्तुत करेंगे तेज से हिसाब से आप मसलार परिमाण को कम कि बेसी करेंगे गुंड मसला को पकवापर मसलाटी जेहेतु बेस सुखिला तेणु यही समय पा न पक एथिरे आम प्रस्तुत करथिबा तेंतुली रस को पकई यहाँ भल भाव मिसई नवा एबे आम ए स्वाद अनुसार गुड़ को पकई ये गुड़ मसला सहित भल भाव मिसा जाए यह आउ किसी समय पर कुक करनवा गुड़ मसला सहित भल भाव मिसीगलापर आम ए स्वाद अनुसार लुण पकईनवा मन रखिए आम बैगण भाजिया समय कि लुण देते तेणु आप स्वाद अनुसार लुण पकेबे लुण को पकवापर आम ए भजा बैगण गुड़ को मिसेनवा भजा बैगण गुड़ी को मसला सहित भल भाव मिसी सारापर आम एधा कप उषुम पा पकईनवा और गैस फ्लेम को मीडियम रखी यह आम 4-5 मिनिट पर कुक करनवा बैगण को भाजिया समय जेहेतु यह पूरा सीझी जाता तेणु आप 4-5 मिनिट अधिक समय पर कुक करेंगे ना यह सहित यार ग्रेवी को आपण बेसी पतला कि बेसी सुखा करेंगे ना ठीक यहीपर आपण यह सेमी ग्रेवी रखिए बर्तमान गैस फ्लेम को अफ कर किसी कटा धनिया पत्र को पकईनवा तो प्रस्तुत हो जाए भोजी स्टाइल बैगण खटा बा खटा मीठा बैगण मसला ये बैगण खटार स्वाद अन्य खटा अपेक्षा बहुत अलग होता है आपण यह उभय भात और रुटी सहित वेज कि नन वेज थाली में सर्व करें तेज आशा कैसे आज रेसीपीटी आपल लगी जदि भिडी भल लगी तेज लाइक एंड शेयर करने जमार भूल धन्यवाद।